बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शर्ट बनाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ पीसेस रखे हैं, उसी से बनाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हमने जो पीस लिया है, हमने इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 हमने 5 पीस लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस लेंगे और हम मेज़र करेंगे। हमारी जो दामन की चौड़ाई है वो हमने 21 लेनी है। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे और ये कपड़ा हमारा साइड वाला ये फोल्डिंग में जाएगा। हम इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम डिज़ाइन सेंटर में बनाएंगे। हमने ये पेपर का पीस लिया है, हमने इस तरह से 1 इंच वेज में लेकर इसको 8 पीसेस में कर लिया है, स्ट्रिप बना ली है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से सेंटर से रख के और दूसरा पीस इसके ऊपर रख के हम सिलाई करेंगे। हम इस तरह से स्ट्रिप सेंटर में लगा के थोड़ा सा मार्जिन का छोड़ेंगे कपड़ा, ऊपर से दूसरा कपड़ा रख के अब सिलाई करेंगे। ऐसा करके पीछे से खींचेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमने एक सिलाई कर दी है, अब हम ये जो हमारी स्ट्रिप है इसको आहिस्ता करके निकालेंगे इस तरह से। हमने इस तरह से पेपर निकाल दिया है, हमारी ये डिज़ाइन बन गई है। इस तरह से जॉइन भी हो गया और डिज़ाइन भी बन गई। अब हम लेंथ की मेज़र करेंगे कि कितनी हमारी लेंथ है कमीज़ की, उसके हिसाब से दूसरा कपड़ा अटैच करेंगे इसके साथ। हमारी ये लेंथ जो है हमें 38 चाहिए, तो इसके लिए हमने फ़िलहाल कटिंग नहीं की। तो फ़िलहाल हमारी ये 37 इंच है, लेकिन हम जॉइन करेंगे दूसरा दामन पे इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा पीस है। अब हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके एक स्ट्रिप की शक्ल देंगे, कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे। हमने इस तरह से दामन को भी अटैच कर दिया है, ये हमारी फोल्डिंग भी हो गई और डिज़ाइन भी बन गई। अब हम लेंथ इसकी फिर से मेज़र करेंगे। हमने दामन की डिज़ाइन बना के इस तरह से और हमने ये कटिंग कर दी है कमीज़ की। अब हम नेक बनाएंगे। हम जो नेक बना रहे हैं वो हमने बेन गले के साथ वी नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने वेज में जो बकरम लिया है वो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। हमने जो लंबाई में बकरम लिया है वो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम वी शेप देंगे। हमने थोड़ा सा इधर से वी शेप ज़्यादा लिया है, लेकिन हमने जो निशान बनाया है हम उसके साथ हल्की सी गोलाई के साथ ये वी शेप वाला नेक बनाएंगे। इस तरह से अब हम दूसरे कपड़े पे इस नेक को अटैच करेंगे। हमने दूसरे कपड़े पे इस तरह से बुकरम अटैच कर दिया है। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे और हम निशान लगाएंगे इस तरह से सेंटर में। अब हम सीधी साइड रखेंगे और बैक साइड पलट देंगे। हमने इस तरह से नेक लगा के छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, अब हम इस तरह सीधी साइड पलट देंगे। हमने नेक बना दी है, अब हम पीछे की साइड जो बेन गला बनाएंगे उसका हम निशान लगाएंगे इस तरह से, जितना हम अंदर सिलाई करेंगे शोल्डर की
इतना ही हम इस तरह से निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। हमने इस तरह से नेक बना दी है, शोल्डर की सिलाई भी कर दी है। अब हम बेन गला बनाएंगे। हम कमीज को इस तरह करके सेंटर करके हमारी जो नेक है उससे 1 इंच हम कम नेक लेंगे। तो कितनी है हमारी, हम पहले मेज़र करेंगे इस तरह से। हमारी टोटल मेज़र है वो 10 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए हम 9 इंच की कॉलर बनाएंगे। हम ये कॉलर वाला बुकरम लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, फिर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगा के अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। पहले हम सिलाई से बुकरम को एक जगह पे सेट करेंगे। ये हमारी कॉलर की जो मेज़रमेंट है वो हमारी 9 इंच है, तो इसके लिए हम इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम 1 इंच तक हम कोने से निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम थोड़ी सी गोलाई देंगे। और हम 1/2 इंच की पट्टी लेंगे, कॉलर की हमारी जो वेध है वो हम 1/2 इंच की लेंगे। इस तरह से हम हल्का सा शेप देके अंदर की तरफ अब हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे। हमने इस तरह से कॉलर को अटैच कर दिया है दूसरे कपड़े पे। अब हम नेक की जो बैक साइड है उसको हम इस तरह से मेज़र करेंगे, तो हमारी जो लेवेद है वो हमारी 3 इंच आ रही है। तो हम कॉलर को भी इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से। अब हम इस तरह से इधर से सिलाई करके इधर सिलाई ख़त्म करेंगे जहाँ पर हमारा निशान है। अब हमने जहाँ पे निशान लगाया है 3 इंच पे दोनों साइड हम इस तरह से कट लगाएंगे और हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरी कॉलर को। हमने इधर से कपड़ा छोड़ा है, अब हम इसको टर्न करेंगे साइड पे। हमने कॉलर की सिलाई करके इसको फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब हम इधर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से सिलाई कर दी है, अब हम अटैच करेंगे। अब हम शोल्डर से सिलाई को लेके आएंगे इस तरह से। सेंटर को सेंटर से ऊपर रख के इसको इस तरह से मिला के हमने इस तरह से एक सिलाई कर दी है। अब हम इस तरह से टर्न करके कॉलर को इसके एक मार्जिन का इधर से सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से एक सिलाई कर दी है, अब हम कॉलर के ऊपर भी सिलाई करेंगे। यह हमारी वी शेप में बेन गला तैयार है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे इस तरह से। हमने ये एक चिट बटन लिया है और हमने एक नॉर्मली बड़ी साइज़ वाला बटन लिया है और एक फूल लिया है, तो हम चिट बटन इस तरह से लगाएंगे।
हमने नेक को डेकोरेट कर दिया है, हमने चिक बटन भी लगा दिया है। अब हम नीचे जो हमने डिज़ाइन बनाई है इस तरह से हम उधर भी डेकोरेट करेंगे। इस तरह से हम फूल लगाएंगे, दामन पे भी लगाएंगे। फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे शर्ट की। हमारी ये फाइनल लुक है, देखिए इस तरह से दामन पे भी फूल लगा दिए हैं और ऊपर जो डिज़ाइन वाली पट्टी बनाई थी उस पर भी फूल लगा दिए हैं। नेक पे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये फूल। हमने कफ वाली स्लीव बनाई है इस शर्ट पे। आपको ये हमारी शर्ट कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।